नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। अब यह सब आप सबको पता होगा कि MBBS और BDS दो अलग अलग कैटेगरी हैं, दो अलग अलग डिग्री हैं। BDS के स्टूडेंट जो है डेंटिस्ट बनते हैं, उनका प्राइमरी फोकस जो रहता है टीथ के ऊपर रहता है, जबकि MBBS के स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं, वह पूरा बॉडी को कवर करते हैं। अब नीति आयोग ने ब्रिज कोर्स प्रपोज किया है जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। और अगर यह इम्प्लीमेंट हो गया तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया में और इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में। नीति आयोग हैज़ प्रपोज अ ब्रिज कोर्स दैट वुड अलाउ अ डेंटल सर्जन और अ डेंटिस्ट टू प्रैक्टिस मेडिसिन डेंटिस्ट एज जनरल प्रैक्टिस में हेल्प द कंट्री प्रॉब्लम्स टू एक्विट शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। तो नीति आयोग ने एक ब्रिज कोर्स प्रपोज किया है जिसमें जो ये BDS के स्टूडेंट रहते हैं वह BDS कंप्लीट करने के बाद 6 महीने का एक एडिशनल कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद MBBS यानी डॉक्टर का जो जॉब है वह कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यह डिटेल में क्या दिया गया है। ध्यान रखिए, यह प्रपोजल अभी पास नहीं हुआ है। इन एन अटेम्प्ट टू एड्रेस एक्विट शॉर्ट फुल ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर की जो कमी है इंडिया के कंट्री में, उसके लिए नीति आयोग ने एक ब्रिज कोर्स निकाला है। ब्रिज कोर्स यानी दूसरे कोर्स में शिफ्ट होने का एक कोर्स है जिसे आप मान सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है अगर वो चाहे तो डेंटल लेने के बाद 6 महीने का ये एडिशनल कोर्स कर सकता है। छोटा सा कोर्स रहता है 6 महीने का और उस 6 महीने के बाद उसे डिग्री सर्टिफिकेट दी जाती है। अभी डिग्री सर्टिफिकेट का यूज़ कर वो MBBS डॉक्टर का जॉब भी कर सकता है। तो नीति आयोग ने ये प्रपोजल जो है PMO को 9 अप्रैल 2019 को दिया है। जैसे ही मुझे इसके बारे में और न्यूज़ मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।